हेलो दोस्तों, ऐप स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग रिसाइकलर व्यू के मदद से एक सिंपल सारी एप्लीकेशन बनाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला एप्लीकेशन हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे शायरी है और एक शेयर बटन है। यहाँ पे शेयर पे कोई क्लिक करेगा तो ये वाला डायलॉग ओपन होगा और यहाँ से आप किसी भी जगह पर शायरी को भेज सकते। आप देख सकते हैं, मैं मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया हूँ और मैं पहले से एक प्रोजेक्ट बना के रखा हूँ जो कि शायरी ऐप के नाम पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो फाइल है, एक है एक्टिविटी मेन डॉट एक्स एम एल और एक है मेन एक्टिविटी डॉट जावा। अभी हम लोग एक्टिविटी मेन डॉट एक्स एम एल पे चलते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं एक टेक्स्ट भी है जो कि हेलो वर्ल्ड वाला है। मैं सिंपली यहाँ पे डिजाइन मोड में जाऊँगा और ये हेलो वर्ल्ड ये नहीं चाहिए, मैं इसको सिंपली डिलीट कर दूंगा। अभी हम लोग का एक रिसाइकलर व्यू चाहिए जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है और इस साइड में दिखा रहा है इस डाउनलोड का आइकॉन, मतलब ये अभी ऐड नहीं, इसको ब्रेल डॉट ग्रेडल फाइल में ऐड करना पड़ता है। आप मैनुअल इसको यहाँ से जाके प्रोजेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे ग्रेडल स्क्रिप्ट और ब्रेल डॉट ग्रेडल और इसको डिपेंडेंसी के अंदर यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं रिसाइकलर व्यू, जो कि आप गूगल पे जाके सिंपली सर्च कीजिए रिसाइकलर व्यू और उसका डिपेंडेंसी आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हैं डिपेंडेंसी के अंदर। आपको ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप सिंपली जाएंगे ये डिजाइन मोड में और ये देखिए रिसाइकलर व्यू यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आपका नहीं दिखा रहा है आप सिंपली यहाँ से सर्च कर सकते हैं, मेरा यहाँ पे दिखा रहा है। मैं सिंपली क्या करूँगा, ये डाउनलोड का आइकन है इस पर क्लिक करूँगा। ये देखिए मैं क्लिक करते ही ये वाला एक पॉपअप खोल के आ गया और मैं इसको सिंपली ओके कर लूँगा। अभी ये क्या करेगा, इसका जो फाइल है ये खुद ब खुद डाउनलोड कर लेगा और डिपेंडेंसी में इसको रिसाइकलर व्यू को ऐड कर लेगा। इसके लिए आपका डिवाइस पे नेट का कनेक्शन होना जरूरी है। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया, मैं आपको डिपेंडेंसी पे आप ही दिखाता हूँ। प्रोजेक्ट पे आप जाइएगा, ये देखिए बिल डॉट ग्रेडल और अभी डिपेंडेंसी के अंदर देखिए ये वाला, देखिए ये रिसाइकलर व्यू ये वाला ऐड हो गया। मैं अभी एक्टिविटी मेन डॉट एक्स एम एल में आ गया, यहाँ से रिसाइकलर व्यू को सिंपली सिलेक्ट करूँगा और ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे छोड़ दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसाइकलर व्यू ऐड हो गया। मैं अभी टेक्स्ट मोड में जाऊँगा, आप देखिए यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेआउट है, मैं इसको रिलेटिव लेआउट कर लूँगा। रिलेटिव लेआउट ये देखिए मैं इसको रिलेटिव लेआउट कर लिया हूँ। ये जो टूल्स है ये नहीं चाहिए, मैं इसको सिंपली हटा दूंगा। रिसाइकलर व्यू का एक आईडी ले लेंगे, आईडी ये देखिए आ गया आईडी, और इसका आईडी लेंगे रिसाइकलर व्यू। मैं इसका आईडी रिसाइकलर व्यू ले लिया हूँ। अभी हम लोग चलते हैं मेन एक्टिविटी और जावा में और यहाँ से रिसाइकलर व्यू को फाइंड कर लेंगे। मैं रिसाइकलर व्यू का क्लास ले लूँगा रिसाइकलर व्यू, ये देखिए रिसाइकलर व्यू आ गया। मैं सिंपली यहाँ पे रिसाइकलर व्यू ही लिख देता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आर डॉट आईडी डॉट और वहाँ पे हम लोग लिए थे रिसाइकलर व्यू, ये देखिए रिसाइकलर व्यू आ गया। अभी रिसाइकलर व्यू को डाटा प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों को एक अडाप्टर का जरूरत होता है। मैं सिंपली एक अडाप्टर बना लेता हूँ, मैं जाऊँगा प्रोजेक्ट पर और यहाँ से सिंपली एक क्लास बना लेता हूँ जावा क्लास, जो कि मैं नाम लेता हूँ माई अडाप्टर। मैं सिंपली ओके कर देता हूँ। ये देखिए हम लोग का क्लास तैयार हो गया, इसको एक्सटेंड करेंगे अडाप्टर से जो कि है रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर। ये देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, फिलहाल इसको हम लोग इग्नोर करते हैं और इसके अंदर और एक क्लास बना लेंगे जो कि व्यू होल्डर होगा। मैं एक इनर क्लास बनाता हूँ और मैं लेता हूँ पब्लिक पब्लिक क्लास और मैं इसका नाम देता हूँ माई व्यू होल्डर और इसको एक्सटेंड करेंगे एक्सटेंड व्यू होल्डर से जो कि है रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर और यहाँ पे एक पैरेंथेसिस लगाते हैं। अभी ये जो एरर आ रहा है इसको रिजॉल्व करने के लिए आप सिंपली प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस एंटर। अभी देखिए यहाँ पे सजेशन आ रहा है क्रिएट कॉन्स्ट्रक्टर मैचिंग सुपर, मैं सिंपली इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। ये देखिए ये अभी तैयार होके आ गया। अभी ए वाला व्यू होल्डर को हम लोग बाद में देखेंगे, अभी जो ए वाला एरर है इसको रिजॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे सिंपली कंट्रोल और स्पेस क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये जो अडेप्टर है जेनेरिक टाइप का है, इसके अंदर एक टाइप पास करना पड़ेगा। मैं सिंपली यहाँ पे पास कर देता हूँ माई अडेप्टर डॉट माई व्यू होल्डर, ये देखिए मैं यहाँ पे सिंपली इसको पास कर दिया। अभी जो एरर आ रहा है इसको रिजॉल्व करने के लिए आप सिंपली ऑल्ट और एंटर प्रेस कीजिए। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है इम्प्लीमेंट मेथड, मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा और यहाँ पे बोल रहे तीन मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मैं सिंपली ओके प्रेस कर दूँगा।
ये देखिए, ये तीनों मेथड तैयार होके आ गया। मैं इसके अंदर क्या करूंगा, एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा पब्लिक माई अडाप्टर। इसका पैरामीटर एक स्ट्रिंग एरे होगा, मैं इसको पास कर देता हूँ स्ट्रिंग, जो कि है स्ट्रिंग एरे। और इसका नाम मैं वेरिएबल ले लेता हूँ सिंपली डाटा, ब्रैकेट लगा देते हैं। और यहाँ पे एक प्राइवेट फील्ड बना लेते हैं जो कि स्ट्रिंग एरे टाइप का है, स्ट्रिंग एरे। और इसका नाम भी मैं डाटा ले लेता हूँ। यहाँ पे करते हैं दिस डॉट डेटा इक्वल टू डेटा। अभी के लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर का काम हम लोग का खत्म हो गया। अभी देखते हैं गेट आइटम काउंट, ये जो लास्ट वाला मेथड है, यहाँ पे हम लोग रिटर्न करेंगे डेटा डॉट लेंथ। देखिए लेंथ आ गया। अभी ये दो मेथड को देखते हैं, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर और ऑन बाइंड व्यू होल्डर। ये ऑन क्रिएट व्यू होल्डर क्या करते हैं, व्यू को क्रिएट करता है, और ऑन बाइंड व्यू होल्डर क्या करते हैं, व्यू के साथ डाटा को बाइंड करता है। ये दो मेथड को इंप्लीमेंट करने से पहले हम लोग को एक रो बनाना पड़ेगा, जो कि आइटम रो होगा, जो आइटम को रो वाइज शो करेगा। मैं सिंपली जाऊंगा यहाँ पे प्रोजेक्ट पे, और यहाँ से रेस फोल्डर के अंदर लेआउट में राइट क्लिक करके एक लेआउट रिसोर्स फाइल बना लेंगे। मैं इसका नाम सिंपली दूंगा रो और ओके कर दूंगा। अभी देखिए ये रो डॉट एक्सएमएल तैयार होके आ गया। ये लिनियर लेआउट है, मैं इसको रिलेटिव लेआउट कर लूंगा। रिलेटिव लेआउट, इसका ओरिएंटेशन वर्टिकल है, जो कि रिलेटिव लेआउट के लिए चाहिए था, मैं सिंपली हटा दूंगा। यहाँ पे विड्थ है मैच पैरेंट, और हाइट है मैच पैरेंट, जो कि हाइट मुझे मैच पैरेंट नहीं चाहिए, मैं इसको रैप कंटेंट कर दूंगा। और इसमें थोड़ा पैडिंग दे देंगे, ये पैडिंग इंपॉर्टेंट है, मैं बाद में बताऊंगा क्यों ये पैडिंग इंपॉर्टेंट है। 5 dp कर देते हैं इसको। और इसके अंदर और एक रिलेटिव लेआउट लेते हैं, मैं बाद में बताता हूँ क्यों मैं इसके अंदर एक रिलेटिव लेआउट लिया हूँ। मैं इसका विड्थ लूंगा मैच पैरेंट और हाइट रैप कंटेंट, और मैं इसको यहाँ से फिनिश कर दूंगा। इसके अंदर भी थोड़ा सा पैडिंग ले लेते हैं, जो कि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। मैं पैडिंग लूंगा, और इसका पैडिंग लूंगा मैं 5 dp। इसका बैकग्राउंड ले लेते हैं बैकग्राउंड, और इसका बैकग्राउंड लेते हैं हैश 60, जो कि है ब्लैक। अभी मैं इसके सामने 80 लगा दूंगा। 80 लगाने से क्या होगा, जो ब्लैक है 50% इसका ओपासिटी हो जाएगा। आप ऐसे कुछ भी कलर के सामने अगर 80 लगा देंगे, तो उसका जो ओपासिटी है वो घट के 50% हो जाएगा। ऐसे भी आप किसी भी कलर का ओपासिटी जो है वो 50, 60, 40, 80 जो भी चाहे वो कर सकते हैं। बस आपके सामने सिर्फ ये जो 2 डिजिट है लगाना पड़ेगा। 2 डिजिट क्या क्या है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख के आपका जो ओपासिटी आप जितना चाहिए उतना कर सकते हैं। फिलहाल 80 है सिर्फ 50% करने के लिए। कुछ भी कलर का ओपासिटी अगर आपको 50% करना है, तो आप सिंपली उस कलर के सामने 80 लगा दीजिए, तो उसका जो ओपासिटी है वो 50% हो जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या लगाएंगे तो उसका ओपासिटी कितना होगा। मैं अभी क्या करता हूँ, इसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं, इसका विड्थ लेते हैं रैप कंटेंट, और हाइट भी लेते हैं रैप कंटेंट। इसका एक आईडी ले लेते हैं, और आईडी लेंगे टेक्स्ट txt। इसके अंदर एक टेक्स्ट ले लेते हैं टेक्स्ट, और मैं सिंपली लेता हूँ टेक्स्ट। इसका टेक्स्ट साइज ले लेते हैं टेक्स्ट साइज, और टेक्स्ट साइज लेंगे 20 sp। टेक्स्ट कलर ले लेते हैं हैश 6f। इसका पैडिंग थोड़ा ले लेते हैं पैडिंग, और पैडिंग लेंगे 10 dp। अभी इसको यहाँ से फिनिश कर देते हैं। फिनिश कर दिया, आप प्रीव्यू देख सकते हैं। अभी ये जो टेक्स्ट है साइड में आ रहा है, इसको मिडिल में लाने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, लेआउट सेंटर हॉरिजॉन्टल, ये देखिए लेआउट सेंटर हॉरिजॉन्टल, और इसको मैं ट्रू कर दूंगा। ये देखिए ये अभी मिडिल में आ गया। अभी क्या करेंगे, इसके नीचे एक बटन ले लेते हैं बटन, इसका विड्थ लेंगे रैप कंटेंट, हाइट लेंगे रैप कंटेंट। इसका आईडी ले लेते हैं आईडी, और आईडी लेंगे शेयर बटन, शेयर अंडरस्कोर बटन। बटन का एक टेक्स्ट ले लेते हैं जो कि होगा शेयर, और टेक्स्ट कलर ले लेते हैं टेक्स्ट कलर, जो कि होगा प्योर व्हाइट, जो कि हैश 6f। अब क्या करेंगे, बटन का एक बैकग्राउंड लेंगे, जो कि बटन को एक अलग लुक देगा बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड लेंगे हैश 673a b7। ये देखिए ये वाला कलर आ गया। अभी बटन को यहाँ से फिनिश कर देंगे, आप प्रीव्यू देख सकते हैं। ये देखिए बटन अभी टेक्स्ट के लेफ्ट में आ रहा है। मैं क्या करूँगा, इसको टेक्स्ट के बिलो लाऊंगा। मैं सिंपली लिखूंगा बिलो, यानी कि लेआउट बिलो, और इसको कर देंगे टेक्स्ट। ये देखिए टेक्स्ट के नीचे आ गया। अभी ये बटन साइड पे आ रहा है, मैं इसको मिडिल में करना चाहता हूँ। मैं सिंपली लिखूंगा लेआउट सेंटर हॉरिजॉन्टल, और इसको ट्रू कर दूंगा। ये देखिए ये अभी टेक्स्ट के नीचे आ गया। मैं थोड़ा सा टॉप से मार्जिन ले लूंगा, मार्जिन टॉप, और मैं मार्जिन टॉप लेता हूँ 10 dp।
अभी आप देख सकते हैं हम लोगों का ये रो का डिजाइन कंप्लीट हो गया। मैं पहले से बताता हूँ मैं क्या क्या किया हूँ। एक रिलेटिव लेआउट लिया हूँ और इसका पैडिंग लिया हूँ 5 dp, और इसके अंदर और एक रिलेटिव लेआउट लिया हूँ, और उस रिलेटिव लेआउट के अंदर एक टेक्स्ट व्यू लिया हूँ और एक बटन लिया हूँ। अब मैं बोलता हूँ क्यों मैं 2 रिलेटिव लेआउट लिया हूँ। ये देखिए इसका जो बैकग्राउंड है मैं 50% ब्लैक किया हूँ। अगर मैं एक ही रिलेटिव लेआउट लेता और इसका बैकग्राउंड मैं ब्लैक कर देता तो ये जो रो है ये रो का डिवाइड नहीं हो पाता। अभी देखिए ये रिलेटिव लेआउट का बैकग्राउंड है ब्लैक, लेकिन ये जो बाहर वाला जो रिलेटिव लेआउट है इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन इसका पैडिंग है 5 dp, यानी ये वाला लेआउट 5 dp एक गैप तैयार करेगा, इसलिए हम लोगों का जो रो है वो सेपरेट हो पाएगा जो कि दिखने में अच्छा लगेगा। चलिए हम लोगों का रो का डिजाइन कंप्लीट हो गया। अभी मैं फिर से माई अडेप्टर में चलता हूँ और ये दो मेथड को अभी डिजाइन करूँगा। ये दो मेथड तैयार करने से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं व्यू होल्डर में हम लोग जो दो बटन और दो टेक्स्ट बने हैं उसको फाइंड कर लेंगे। मैं यहाँ पे दो फील्ड बना लूँगा, एक है टेक्स्ट व्यू, ये देखिए टेक्स्ट व्यू, और मैं इसका नाम टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ, और एक बटन, बटन देखिए बटन आ गया, और इसका नाम भी मैं बटन ले लेता हूँ। अभी क्या करेंगे टेक्स्ट व्यू और बटन को फाइंड कर लेंगे। मैं सिंपली लिखूंगा टेक्स्ट व्यू इक्वल टू आइटम व्यू डॉट, क्योंकि आइटम व्यू के अंदर है, आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आई डी, देखिए आ गया फाइंड व्यू बाई आई डी, और करेंगे आर डॉट आई डी डॉट, वहाँ पे हम लोग जो टेक्स्ट था उसका आई डी लिए थे टेक्स्ट, ये देखिए txt ये वाला आ गया। और नेक्स्ट करेंगे बटन के लिए भी सेम, बटन इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आई डी, ये ऊपर आ गया, यहाँ पे करेंगे आर डॉट आई डी डॉट, और वहाँ पे हम लोग लिए थे शेयर बटन, देखिए शेयर बटन आ गया। अभी ये व्यू होल्डर का काम हम लोग का कंप्लीट हो गया। अभी चलते हैं ये दो मेथड को अभी इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर मैं व्यू तैयार करूँगा। व्यू तैयार करने के लिए हम लोग के पास एक क्लास होता है जो कि है लेआउट इन्फ्लेटर बोल के, लेआउट इन्फ्लेटर, और इसका नाम मैं सिंपली लेता हूँ इन्फ्लेटर इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, ये देखिए लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम आ गया, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और यहाँ पे पास करेंगे पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, नेक्स्ट व्यू व्यू इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग के पास इन्फ्लेटर है इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, देखिए इन्फ्लेट, यहाँ पे पास करेंगे आर डॉट लेआउट डॉट, और हम लोग वहाँ पे जो रो बनाए थे देखिए रो आ गया रो, और कॉमा देके पास करेंगे पेरेंट और कॉमा देके फॉल्स। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे न्यू, और यहाँ से पास कर देंगे माई व्यू होल्डर, ये देखिए माई व्यू होल्डर आ गया, और यहाँ से पास करेंगे ये वाला व्यू को। अभी ऑन क्रिएट व्यू होल्डर का काम हो गया, अभी देखते हैं ऑन बाइंड व्यू होल्डर को। अभी ऑन बाइंड व्यू होल्डर में हम लोग पोजिशन क्रिएट करेंगे, इसलिए मैं बनाऊंगा एक स्ट्रिंग और इसका नाम लेंगे माई डेटा, और माई डेटा इक्वल टू डेटा, और इसके अंदर पोजीशन पास कर देंगे। अभी माई डेटा के अंदर पोजीशन आ गया, इसको सिंपली टेक्स्ट व्यू में सेट कर देंगे। मैं सिंपली लिखूंगा होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे पास कर देंगे माई डेटा। अभी शेयर बटन को इम्प्लीमेंट करते हैं। शेयर बटन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं लिखूंगा होल्डर डॉट और बटन, जो कि है शेयर, जो हम लोग यहाँ पे बटन लिए है बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ये देखिए ऊपर आ गया, और इसके अंदर पास करेंगे न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ये वाला आ गया, मैं इसको सिंपली एक्सेप्ट कर लूँगा। ये देखिए अभी ये तैयार होके आ गया। इसके अंदर एक इंटेंट बनाएंगे, इंटेंट देखिए इंटेंट आ गया इंटेंट, और इसका नाम लेते हैं इंटेंट ले लेते हैं इक्वल टू न्यू इंटेंट, नेक्स्ट इंटेंट जो कि इंटेंट का जो ऑब्जेक्ट है हम लोग जो बनाया है इंटेंट डॉट सेट एक्शन, सेट एक्शन देखिए आ गया सेट एक्शन, और यहाँ पे इंटेंट का क्लास इंटेंट डॉट एक्शन सेंट, नेक्स्ट इंटेंट का ऑब्जेक्ट इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, देखिए पुट एक्स्ट्रा, यहाँ पे पास करेंगे इंटेंट का क्लास इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा टेक्स्ट, ये देखिए आगे एक्स्ट्रा टेक्स्ट, और कॉमा देके जो भी टेक्स्ट हम लोग भेजना चाहते हैं, हम लोग इसको भेजना चाहते हैं ए माई डाटा को जो कि हम लोग पोजिशन के अंदर यहाँ पे गेट किए हैं, मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा माई, यूज़ करने के लिए यहाँ पे इसको फाइनल होना जरूरी है,
इसलिए यहाँ पे एक कीवर्ड ऐड हो गया जो कि है फाइनल। मैं नेक्स्ट लिखूंगा इंटेंट, जो कि इंटेंट का ऑब्जेक्ट डॉट सेट टाइप, सेट टाइप ये देखिए आ गया सेट टाइप। और मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट स्लैश प्लेन, अभी इंटेंट इक्वल टू इंटेंट का क्लास डॉट क्रिएट चूजर, ये देखिए क्रिएट चूजर आ गया। तो इसके अंदर पास करेंगे इंटेंट का ऑब्जेक्ट यानी कि इंटेंट, और कॉमा दे के जो भी टेक्स्ट जो कि जो बॉक्स ओपन होगा डायलॉग बॉक्स उसके ऊपर शो करेगा शेयर बाई ऐसे करके, और मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा शेयर बाई। नेक्स्ट एक्टिविटी को स्टार्ट कर देंगे। एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए मैं सिंपली लिखूंगा होल्डर डॉट आइटम व्यू के अंदर है इसलिए आइटम व्यू डॉट गेट कॉन्टेस्ट डॉट स्टार्ट एक्टिविटी, देखिए गेट स्टार्ट एक्टिविटी, और यहाँ पे इंटेंट को पास कर देंगे जो कि है इंटेंट का ऑब्जेक्ट। ये देखिए हम लोगों का कोड फिनिश हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली जाऊँगा मेन एक्टिविटी डॉट जावा यहाँ पे। अभी मैं क्या करूँगा, हम लोगों का जो शायरी है उसको मैं स्टोर करूँगा। मैं शायरी को स्टोर करने के लिए सिंपली जाऊँगा प्रोजेक्ट, और यहाँ पे वैल्यूज के अंदर मैं स्ट्रिंग में जाऊँगा। मैं सिंपली बनाऊँगा एक स्ट्रिंग एरे, ये देखिए आ गया स्ट्रिंग एरे। यहाँ पे नाम दूंगा माई शायरी, और यहाँ से इसको ऐसे फिनिश कर दूंगा। और इसके अंदर हम लोग शायरी ऐड करेंगे, हम लोग आइटम लेंगे आइटम ऐसे करके इसको फिनिश कर देंगे, और ये आइटम के मिडिल में यहाँ पे हम लोग शायरी ऐड करेंगे। मैं और ज़्यादा आइटम बना लेता हूँ ताकि हम लोग ज़्यादा शायरी ऐड कर पाए। मैं अभी यहाँ पे कुछ शायरी ऐड करता हूँ, मैं सिंपली कुछ शायरी लिख के रखा हूँ। ये देखिए मैं कुछ शायरी लिख के रखा हूँ यहाँ पे मेरे नोट पैड पे। यहाँ से मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। देखिए पेस्ट हो गया। मैं नेक्स्ट शायरी को भी ऐसे करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ से पेस्ट कर दूँगा। देखिए मेरा शायरी तैयार हो गया है। ये देखिए मैं यहाँ पे शायरी ऐड कर लिया हूँ, आप देख सकते हैं। मैं अभी सिंपली क्या करूँगा, मेन एक्टिविटी डॉट जावा में जाऊँगा और यहाँ से इस शायरी को फाइंड कर लेंगे। मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग एरे बना लेता हूँ, स्ट्रिंग स्ट्रिंग एरे, और इसका नाम दे देते हैं ऑल शायरी। मैं सारे शायरी को यहाँ से फाइंड करूँगा। मैं सिंपली लिखूँगा गेट रिसोर्सेस, ये देखिए आ गया गेट रिसोर्सेस डॉट गेट स्ट्रिंग एरे ये वाला, और यहाँ से करेंगे आर डॉट एरे डॉट, देखिए एरे डॉट माई शायरी, वहाँ पे मैं लिया था माई शायरी, ये माई शायरी। अभी रिसाइकलर व्यू पे एक लेआउट मैनेजर सेट करना पड़ेगा। मैं सिंपली लिखूंगा रिसाइकलर व्यू, जो कि रिसाइकलर व्यू का ऑब्जेक्ट ए वाला डॉट सेट लेआउट मैनेजर, ये देखिए ये आ गया सेट लेआउट मैनेजर, और इसके अंदर पास करेंगे न्यू लीनियर, ये देखिए लीनियर लेआउट मैनेजर ये आ गया, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और उसके अंदर एक कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा जो कि है दिस। अभी रिसाइकलर व्यू में एक एडाप्टर सेट करना होगा। मैं सिंपली लिखूंगा रिसाइकलर व्यू, जो कि होगा रिसाइकलर व्यू का ऑब्जेक्ट डॉट सेट एडाप्टर, ये देखिए आ गया सेट एडाप्टर, और यहाँ पे करेंगे न्यू, और हम लोग जो एडाप्टर बनाए थे जो कि है माई एडाप्टर ये वाला, देखिए आ गया माई एडाप्टर, और इसके अंदर पास करेंगे हम लोग जो शायरी गेट किए हैं, देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग एरे के अंदर ऑल शायरी नाम पे यहाँ इसको गेट किए हैं जो लोग हम लोग शायरी जो बनाए हैं यहाँ पे पास कर देंगे ऑल, ये देखिए ऑल शायरी आ गया, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी हम लोग का कोड फिनिश हो गया, मैं इसको सिंपली रन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हम लोग का एप्लीकेशन रन होके आ गया, आप देख सकते हैं। मैं सिंपली इसमें शेयर में क्लिक करूँगा तो ये देखिए बॉक्स खोल के आ गया, और यहाँ पे दिखा रहा है शेयर बाई करके। मैं सिंपली मैसेजेस में शेयर करना चाहता हूँ, ये देखिए ये आ गया। अभी मैं यहाँ पे नंबर दे के इसको सेंड कर सकता हूँ, मतलब ये सही से काम कर रहा है। लेकिन एक चीज़ है, आप देख सकते हैं इसका जो बैकग्राउंड है ये व्हाइट दिख रहा है, लेकिन हम लोग जो पहले देखे थे वो वाला एप्लीकेशन बहुत सही लग रहा था, क्योंकि इसका बैकग्राउंड में कोई इमेज नहीं है इसलिए ऐसा दिख रहा है। मैं सिंपली क्या करूँगा, इसके बैकग्राउंड में एक इमेज सेट करूँगा। इमेज सेट करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा जहाँ पे मैं रिसाइकलर व्यू लिया हूँ, यानी कि मेन एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में देख सकते हैं यहाँ पे मैं रिसाइकलर व्यू लिया हूँ, मतलब यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड सेट करना पड़ेगा।
मैं बैकग्राउंड सेट करने के लिए मैं एक इमेज ले लूँगा जो कि मेरे डेस्कटॉप में है। आप देख सकते हैं ये वाला इमेज को मैं सिंपली वहाँ पे लगाऊंगा। मैं सिंपली यहाँ से इसको काट करूँगा और यहाँ से प्रोजेक्ट के अंदर, रेस के अंदर, ड्राइवेबल के अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए पेस्ट, मैं पेस्ट कर दूंगा और ड्राइवेबल, और इसको ओके कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कुछ, और मैं इसको ओके कर दूंगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइवेबल के अंदर ये बैकग्राउंड डॉट जेपीजी आ गया। मैं इसको सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लूँगा एक बैकग्राउंड जो कि रिलेटिव लेआउट के अंदर है। मैं लूँगा बैकग्राउंड और मैं बैकग्राउंड लूँगा, ये देखिए एट द रेट ड्राइवेबल बैकग्राउंड, ये वाला जो कि बैकग्राउंड डॉट जेपीजी नाम पे था, मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। अभी आप देख सकते हैं ये नाइस सा बैकग्राउंड यहाँ पे आ गया। मैं अभी ये वाला एप्लीकेशन आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए हम लोग का एप्लीकेशन रन होके आ गया। अभी आप देख सकते हैं कैसे लग रहा है। आप देख सकते हैं जो बैकग्राउंड है जो हम लोग रो का लिए थे, प्योर ब्लैक नहीं था जो कि 50% ब्लैक था। अभी देख सकते हैं कैसे ट्रांसपेरेंट सा लुक दे रहा है। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड